जनता पार्टी के लोग बड़ी होशियारी से देश के चुनाव में तो करेंगे और किया है। चुनाव आयोग से हमारे दो तीन प्रश्न है ईवीएम के मामले में, और जिसमें कि कम से कम 160 देश के आईएएस रिटायर्ड आईएएस आईपीएस रिटायर्ड जजेस प्रोफेसर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस उन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं। प्रश्न नंबर एक, ये माइक्रोचिप जो चिप आता है लगता है मशीन में वो कहां से आता है। प्रश्न नंबर दो, ये सिंगल प्रोग्रामेबल चिप है या डबल प्रोग्रामेबल चिप है, मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है। प्रश्न नंबर तीन, कैंडिडेट का नाम वीवीपैट मशीन में इंटरनेट के माध्यम से फीड किया जाता है या मैन्युअली किया जाता है। ऐसे हमारे कम से कम 20 क्वेश्चंस हैं जो सिविल सोसाइटी ने 2 मई 2022 में लिख के उनसे प्रश्न पूछे, आज तक उसका कोई उत्तर नहीं आया। एक बात समझ लीजिए, विश्व में कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसमें चिप डला हो जो हैक ना किया जा सके, कोई भी मशीन। यहां तक कि रिजर्व बैंक ऑफ रशिया, रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश के करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैकिंग से। इसलिए, और ये कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज में ईवीएम मशीन यूज नहीं हो रही है। जर्मनी के भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये मशीन से अब वोटिंग नहीं होता है, बैलेट से वोटिंग होता है। यहां तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी ईवीएम से मशीन से वोटिंग कराना बंद कर दिया है। इसलिए हमारा प्रश्न तो उनके ऊपर है, जो हमने प्रश्न पूछे उसका जवाब दे। अभी कुछ दिन पहले रूरल ईवीएम पे, रिमोट ईवीएम पर एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, मैं भी उसमें था कांग्रेस की तरफ से। हमने उनसे कहा कि भाई हमारे प्रश्नों का पहले जवाब दो, अभी आप कह रहे हो कि यहां माइग्रेंट लेबर को करने के लिए हम अलग से 70-80 विधानसभाओं का पूल बना के वहां माइग्रेंट लेबर की वोटिंग करा दे रहे हैं। वो तो रिजेक्ट हो गया, हर पॉलिटिकल पार्टी ने मना कर दिया, बीजेपी अकेली रह गई। हम माननीय चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि ईवीएम के मामले में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, ये हमारी मांग होगी।